हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज मोहित, आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ब्रोंकियल ट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लंग्स के बारे में और लंग्स के टॉपिक को ही सॉरी हमने रूट ऑफ द लंग के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में, तो उसी टॉपिक को लंग्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे ब्रोंकियल ट्री के बारे में। तो ब्रोंकियल ट्री है क्या? तो ब्रोंकियल ट्री हम सब ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऊपर से अगर हम बात करें एयर का थोड़ा पाथवे देखें तो नोज़ के बाद जाता है कहाँ पर? हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा? लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? हमारी ट्रैकिया में। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियल्स में और अल्टीमेटली एंड होता है एल्विओलाई में जाके। तो इस तरह से हमारे जो गैसियस जो एक्सचेंज है वो होता है, एयर ट्रैवल करती है, हमारे जो एयर का पाथ है वो मैंने आपको बताया। तो इसी को फर्दर अगर हम डीप में पढ़ें तो हमें तो यही पता है, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, एल्विओलाई। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस बना, ब्रोंकस कितने होंगे, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स भी दो तीन तरह के होते हैं। तो इसको पूरा डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इजी टॉपिक है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ब्रोंकियल ट्री। तो हम सीधा ट्रैकिया से स्टार्ट करने वाले हैं। हमें पता है कि हमारी जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है दो ब्रोंकस में। सो ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री, मतलब जो T4 वर्टिब्री है उसके लोअर बॉर्डर पे हमारी ट्रैकिया डिवाइड कर जाती है दो में। तो ऊपर से ट्रैकिया आ रही थी, मान लो ये ट्रैकिया आ रही है ऊपर से, ये आके यहाँ पे डिवाइड करगी दो में, दोनों को क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। एक होगा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई और एक होगा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। तो दो ब्रोंकाई होंगे, एक राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो भी बोलो, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और एक होगा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। सिंपल सी बात है। ये मैंने सेंट्रल लाइन ड्रॉ की है, ट्रैकिया की जो लाइन थी वही मैंने नीचे तक कंटिन्यू किया, बताऊंगा क्यों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई के बीच में। सो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि लेफ्ट वाला जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, ये भी आपको समझ आएगा अभी। तो राइट वाला थोड़ा सा छोटा है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर छोटा है लेफ्ट ब्रोंकस से। उसके अलावा थोड़ा सा वाइड भी होता है। तो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई थोड़ा वाइड होता है जबकि लेफ्ट वाला थोड़ा सा इसका ल्यूमन जो है वो पतला होता है। तो लेफ्ट ब्रोंकाई का ल्यूमन थोड़ा पतला होता है, राइट का थोड़ा सा वाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई है वो ट्रैकिया के साथ ज़्यादा लाइन में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो ट्रैकिया थी उसके साथ ज़्यादा इन द लाइन प्रेजेंट होता है प्रिंसिपल ब्रोंकस, वो हम देखते हैं यहाँ पे एंगल के थ्रू। तो अगर आप देखो ये नीचे मैंने ट्रैकिया की लाइन को कंटिन्यू किया है और ये वाली जो लाइन है ये जा रही है राइट ब्रोंकाई की। तो राइट ब्रोंकाई और ट्रैकिया के बीच में एंगल होता है 25 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल मैं दोबारा ले देता हूँ, मैंने ही ख़राब कर दिया इसको। तो ये 25 डिग्री का एंगल होता है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और ट्रैकिया की लाइन के बीच में, जबकि लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस और ट्रैकिया की लाइन के बीच में एंगल होता है 45 डिग्री का। तो अब आप खुद बताओ मेरे को कि कौन सा ब्रोंकस ट्रैकिया के साथ ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन में आता है। स्ट्रेट तो नहीं है, थोड़ा बहुत मुड़ रहा है, तो ये तो ज़्यादा ही मुड़ गया, यहाँ पे तो मोड़ ही कुछ ज़्यादा बड़ा आ गया। जबकि राइट ब्रोंकस ने थोड़ा सा ही मोड़ लिया, सिर्फ 25 डिग्री ही मुड़ा है वो। तो इस वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो ज़्यादा लाइन में होता है ट्रैकिया के साथ बजाय कि लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के। अब एक बात बताओ, ये ज़्यादा लाइन में है और मान लो किसी को यहाँ तक ट्रैवल करना है, ये ब्लू पेन मैंने रख दिया, इन दोनों लाइन को यहाँ तक आना है, तो कौन जल्दी आ जाएगा? इसको तो सिर्फ इतना ही ट्रैवल करना है, इसको तो बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा इस लाइन को टच करने के लिए। तो इसी वजह से राइट ब्रोंकस जो है वो थोड़ा छोटा होता है जबकि लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 2.5 सेंटीमीटर बड़ा होता है राइट वाले से। तो ये एंगल की बात भी मैंने बता दी, ट्रैकियल बाइफर्केशन के साथ कितना एंगल बनाता है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। अब चलते हैं इसकी फर्दर डिविजन्स की तरफ। सो एक क्लिनिकल क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो मैं क्यों इस पे इतना ध्यान दे रहा था, क्योंकि उससे एक क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट बनता है लंग्स का। वो ये है कि राइट जो ब्रोंकस था वो ट्रैकिया के साथ सिर्फ 25 डिग्री का एंगल बना रहा था, बहुत कम एंगल बना रहा था, जिस वजह से जो इनहेल्ड पार्टिकल्स हैं या फिर जो फॉरेन बॉडीज हैं वो ज़्यादातर राइट लंग में जाने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई भी फॉरेन बॉडीज अगर हमारे ट्रैकिया में आ गया या फिर कोई भी इनहेल्ड पार्टिकल जो आएगा ट्रैकिया में वो कोशिश करेगा राइट लंग में जाने में, क्योंकि राइट लंग ही था क्योंकि जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो ज़्यादा ही कुछ मुड़ गया था। देखो ये इतना लेफ्ट ब्रोंकस मुड़ गया था, इतना सा राइट ब्रोंकस मुड़ा था, तो कोई भी चीज़ आएगी उसको आसानी होगी राइट ब्रोंकस के थ्रू राइट लंग में जाने में बजाय कि लेफ्ट लंग में जाने के।
तो इसी वजह से कोई भी नेल पार्टिकल या फॉरेन बॉडीज़ है वो ज़्यादातर कोशिश करता है राइट लंग में जाने की, जिस वजह से राइट लंग जो है वो ज़्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शंस की तरफ। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं राइट लंग को बजाय कि लेफ्ट को, ठीक है। तो राइट में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं। अब हम डिवीज़न की तरफ चले फर्दर, तो हमने अब बात कर ली थी कि ट्रैकिया ने दो ब्रोंकस बनाए थे। अब जो ब्रोंकस थे, जो प्रिंसिपल ब्रोंकस थे, वो एंटर कर गए हमारी लंग में थ्रू द हाइलम। हाइलम ऑफ द लंग के थ्रू दोनों ब्रोंकस ने लंग में एंटर कर लिया, राइट ब्रोंकस राइट लंग में, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। और जब ये लंग में पहुंच गए हाइलम के थ्रू, ये डिवाइड कर गए सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई। तो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी मतलब पहले तो मेन प्रिंसिपल था तो उसको प्राइमरी बोल सकते हैं। अब वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं तो हमने वर्ड बोल दिया सेकेंडरी। अब मैंने लोबर क्यों बोला, क्योंकि हमारी लंग जो है वो अलग अलग लोब्स में डिवाइड होती है। राइट लंग में तीन लोब्स प्रेजेंट होती हैं दो फिशर्स के कारण, जबकि लेफ्ट लंग में एक ही फिशर होता है तो सिर्फ दो ही लोब्स बनती हैं। तो राइट लंग में कितने हमारे पास लोबर ब्रोंकाई बनेंगे, तीन, जबकि लेफ्ट लंग में कितने लोबर ब्रोंकाई बनेंगे, दो। तो जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस था, जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस था राइट वाला, वो डिवाइड करके बनाएगा तीन लोबर ब्रोंकाई, जबकि लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है वो डिवाइड करके बनाएगा दो लोबर ब्रोंकाई, क्योंकि लेफ्ट साइड में सिर्फ दो ही लोब्स हैं और राइट साइड में तीन लोब्स हैं, और जो लोबर ब्रोंकाई हैं वो अलग अलग लोब्स को जो है वो एयर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो लोबर ब्रोंकाई ऑन द राइट साइड इज इक्वल टू 3 एंड लोबर ब्रोंकाई ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 2, ये बात ध्यान रखना। अब जो लोबर ब्रोंकाई था वो फर्दर डिवाइड होंगे, तो मैंने बोला लंग्स में लोब्स होती हैं, राइट में तीन थी लेफ्ट में दो थी। अब जो लंग की जो लोब्स हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं, जो और छोटी यूनिट की अगर हम बात करें तो और छोटी डिवीज़न होती है हमारे पास सेगमेंट्स में, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, जिनकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट प्रेजेंट होती हैं हमारी लंग्स में, जो कि 10 प्रेजेंट होते हैं दोनों लंग्स में, 10 राइट लंग में 10 लेफ्ट लंग में। तो जो लोबर ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड करता है सेगमेंटल ब्रोंकाई में। क्यों सेगमेंटल बोला, क्योंकि उसको सप्लाई करना है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को, तो इस वजह से लोबर ब्रोंकाई जो था वो डिवाइड हो गया सेगमेंटल ब्रोंकाई में। अभी तक सेकेंडरी डिवीज़न थी, अब वो फर्दर डिवाइड हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे टर्शरी डिवीज़न। इतनी सी बात समझ आ गई होगी, हर एक लोबर ब्रोंकाई डिवाइड कर जाता है टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई में, 1 for each पर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। तो कितने सेगमेंटल ब्रोंकाई होंगे राइट लंग में, 10, क्योंकि दोनों तरफ जो है 10 ही सेगमेंट होती हैं। तो 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई राइट साइड में, 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई लेफ्ट साइड में, जबकि लोबर ब्रोंकाई दोनों साइड में अलग नंबर में होते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों लंग्स में अलग अलग होती है, तो वो है हमारे पास लोबर ब्रोंकाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चले फर्दर डिवीज़न के अंदर। तो हमने अब तक बात कर ली, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने अब तक बात कर ली ट्रैकिया था, ट्रैकिया ने डिवाइड करके बनाए दो प्रिंसिपल ब्रोंकस, दो प्रिंसिपल ब्रोंकस ने बनाए सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई बनाए, ठीक है। मैं नॉर्मल डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट नहीं लेके चल रहा। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस से हमारे पास डिवाइड होकर बना था लोबर ब्रोंकाई, और लोबर ब्रोंकाई के बाद हमारे पास बना था सेगमेंटल ब्रोंकाई। तो हमने अब तक यहाँ पे ये पहली डिवीज़न, ये दूसरी डिवीज़न, ये तीसरी डिवीज़न, तीन डिवीज़न देख ली। अब हम चलते हैं फोर्थ डिवीज़न पे। तो जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है वो डिवाइड करता है रिपीटेडली टू फॉर्म वेरी स्मॉल ब्रांचेस नोन एज द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो सेगमेंटल ब्रोंकाई फर्दर और ज़्यादा डिवाइड करते करते बना देता है और छोटी छोटी ब्रांचेज, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अभी तक ब्रोंकाई चल रहा था, देखो यहाँ पे ध्यान देना, प्रिंसिपल ब्रोंकाई था, फिर लोबर ब्रोंकाई आया, फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई आया। अब ब्रोंकाई नहीं आया, अब ब्रोंकियोल्स आ गया, ठीक है। अब वर्ड याद रखना, ब्रोंकियोल्स आ चुका है। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में यहाँ पे डिवाइड कर जाता है कौन, सेगमेंटल ब्रोंकाई। उसके अलावा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस बना देती हैं, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो हमारे पास चौथी डिवीज़न से बना टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ने फर्दर डिवाइड किया तो पांचवी डिवीज़न हो गई और बनाया यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो आखिरी जो यहाँ पे बना वो बना रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। अब इस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है वो करता क्या है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल करता क्या है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एरेट करता है, मतलब एयर प्रोवाइड करता है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लंग को, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी यूनिट। तो अगर हम बात करें हर एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जहाँ पे एयर सप्लाई कर रहा है, एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ने जिस पार्ट ऑफ द लंग को एयर सप्लाई की उस पार्ट को हम बोल देंगे पल्मोनरी यूनिट। तो पल्मोनरी यूनिट क्या है, ऐसी यूनिट है जिसको एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल सप्लाई कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पल्मोनरी यूनिट्स होंगी हमारी लंग्स में, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के आगे की, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आगे जाके एंड करते हैं माइक्रोस्कोपिक पैसेजेस में, बहुत छोटे छोटे
पैकेजेस बोल गया मैं गलती शायद, पैसेजेस में, तो माइक्रोस्कोपिक पैसेजेस में ओपन करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल, और वो माइक्रोस्कोपिक पैसेजेस हैं एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स के बाद आता है एट्रिया, एट्रिया आगे जाके खुलता है एयर सेक्यूल्स में, और एयर सेक्यूल्स एंड में जाके खुल जाते हैं पल्मोनरी एल्वियोलाई में। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स के बाद कहाँ जाती है, एयर एल्वियोलर डक्ट्स में, एल्वियोलर डक्ट्स के बाद एट्रिया, एट्रिया के बाद एयर सेक्यूल्स, और एट द एंड एयर सेक्यूल्स के बाद पल्मोनरी एल्वियोलाई में, और जो एंड में जो गैसियस एक्सचेंज जो होना है मेन, वो होता है एल्वियोलाई में। तो मेन गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, ये बात याद रखना। तो फिर से डिवीजन देखें, ट्रैकिया ने बनाया प्रिंसिपल ब्रोंकाई, प्रिंसिपल ब्रोंकाई से सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई, ये किसको सप्लाई करेगा, लोब को, ठीक है। सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई ने बनाया टर्शरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, ये किसको सप्लाई करेगा, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को। हर एक सेगमेंटल ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके बनाता है टर्मिनल ब्रोंक्योल्स, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स फर्दर डिवाइड करके बनाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल किसको सप्लाई करते हैं, पल्मोनरी यूनिट उसको हम बोलते हैं, सिंपल सी बात थी। अब एक और, अब जो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स हैं ये आगे जाके यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ से आखिरी एंड में जाता है पल्मोनरी एल्वियोलाई में, और पल्मोनरी एल्वियोलाई के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे होगा हमारी, ये मान लो मैं ब्लड वेसल बना देता हूँ, ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ से गैस इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से जा रही है ऑक्सीजन, यहाँ से जा रही है CO2, इस तरह से गैसियस एक्सचेंज एट द एंड हो जाता है। अब इसका एक ईजी सा आपको मैं डायग्राम के थ्रू पूरा समझा देता हूँ, फिर से बहुत अच्छे से समझ आएगा, ज़रूर देखना उस डायग्राम को। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ, तो इस वाले डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं जो भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास है, हमारे पास ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया आगे जाके देखोगे तो एट द लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा, ये लोअर बॉर्डर ऑफ T4 है, यहाँ पे जाके वो डिवाइड करेगी दो प्रिंसिपल ब्रोंकाई में, एक लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, राइट साइड में राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ये राइट साइड है और ये हमारे पास है लेफ्ट साइड। तो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड करेगा किसके अंदर, लोअर ब्रोंकाई के अंदर, तो प्रिंसिपल ब्रोंकस ने लोबर ब्रोंकाई में डिवाइड किया, लोबर ब्रोंकाई फर्दर जाके किस में डिवाइड करता है हमारे पास, सेगमेंटल ब्रोंकाई में, ठीक है। तो इस डायग्राम में जो है ये जो आपको छोटे छोटे डिवीजन दिख रहे हैं, ये वाली हुई, फिर और छोटे छोटे डिवीजन्स, ये जो है ये हमारे पास ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स जो भी है ये इस तरह से बनते जाते हैं। तो इस डायग्राम में मेन जो मकसद था वो ये था कि इस तरह से हमारे लंग का, अगर हम यहाँ पे लंग ऐसे में बना दूँ तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा ये, ठीक है। पर मैंने लंग्स को हटा के जो दिखाई देता है वो मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है किस तरह से डिवीज़न होती है। एक और डायग्राम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं एल्वियुलर सैक वगैरह। तो ये हमारे पास है टर्मिनल ब्रोंक्योल, एक सेकेंड, ये हमारे पास है टर्मिनल ब्रोंक्योल, ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल, सॉरी टर्मिनल ऊपर वाला नहीं है, ये है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्योल, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल के बाद जो चीज़ें थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारे पास है एल्वियोलर डक्ट, ये हमारे पास है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद हमारे पास था एट्रिया, तो ये हमारे पास है एट्रिया, एट्रिया आगे जाके खुल रहा था सेक्यूल्स के अंदर, क्या बोल रहे थे उसको हम, एयर सेक्यूल्स, तो ये एयर सैक्स या फिर सेक्यूल्स जो भी आप बोलना चाहो, ये हैं एयर सेक्यूल्स छोटे छोटे। अगर हम इस पूरे को बोलें, इस पूरी यूनिट को अगर हम बोलें, दोबारा बना देता हूँ मैं, ये वाली जो पूरी यूनिट है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एल्वियोलाई, एक सेकेंड, एल्वियोलाई। तो इस तरह से एट द एंड एल्वियोलाई में जाती है हमारी जो भी एयर है वो एल्वियोलाई में जाती है, और उसके बाद यहाँ पे एल्वियोलाई के पास इस तरह से कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और जो CO2 है वो रिमूव हो जाती है एयर के थ्रू। तो इस वीडियो में हमने बात की यहाँ पे ब्रोंकियल ट्री की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।